अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, ग्लव्स बने आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, क्यों ना थोड़ा स्पीड एक्सरसाइज के बारे में बताएं, थोड़ा स्ट्रेंथ लेवल बढ़े। नॉर्मली मैंने देखा है कि जिम में बॉक्सिंग बैग लगा होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसका बेसिक टेक्निक क्या है, इसको कैसे पंच करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी। हम मसल तो बिल्डअप कर लेते हैं, लेकिन स्पीड और स्ट्रेंथ लेवल नहीं बढ़ता। तो आज लेटेस्ट टेक्निक के साथ कि हमने इसको कैसे पंच करना है और हमने स्पीड कैसे बढ़ानी है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा गुस्सा भी हो तो आप पंच कर सकते हो बैक के ऊपर। चले मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। ग्लव्स आप कोई से भी पहन सकते हैं, हाफ फुल दोनों। पंच अप करने के लिए फर्स्ट आपके पाँव की जो पोजीशन है वो यूं आगे पीछे हो लाइट सा, ताकि आप स्ट्रेट हो सकें। सेकेंड क्या करते हैं, यूं पंच करते हैं, मतलब आपका एल्बो आप बेंड है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर आता है। इसमें आपका गैप इतना हो कि जब आपने पंच करना है बैक को, चाहे वो हैंगिंग वाला पंच है, ये डमी है या स्टैचू है, स्ट्रेट कोई सा भी है, लेकिन उसमें फार्मूला यही चलेगा। आपकी एक रिदम हो, पंच आपने करना है, आर्म यूं आपका स्ट्रेट आना चाहिए, ताकि रिप्स। इसको क्यों कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि ये स्पीड है, इसमें मल्टीपल कंपाउंड मसल एक्सरसाइज होनी है। जैसे अब मैं पंच करूंगा, मेरे आर्म्स सारे, रिब्स एरिया, कोर एरिया और बैक मूव भी है, स्ट्रेंथ, स्कैपुला बोन, लोअर बैक भी इन्वॉल्व। मीन्स के 4 to 5 मसल इन वन ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं। फर्स्ट पंच कैसे आपने करना है, रिदम यूं आपकी बने ताकि आपका कोर एरिया भी मूव करता रहे। 1, वैसे तो बैक के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 पंच हैं, स्ट्रेट अपर कट आपने करना है, साइड करना है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको कंप्लीट बताएंगे कि इसको किक विथ 4-5 एंगल से हम कैसे कर सकते हैं, अपर कट कैसे करना है, साइड आपने कैसे करना है और स्ट्रेट पंच में। आज बेसिक फर्स्ट पोजीशन आपने यूं बनानी है, बैक फुट थोड़ा सा अप, फिंगर पे आपने प्रेशर रखना है और रिदम आपकी बने यूं आप मूव कर सके। 1, स्लो मोशन में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1 बैक, 2 हाथों को यूं आपने गैप में रखना है, अब फेस के पास, नेक के पास, रिदम यूं बने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको थोड़ा सा स्पीड से 1, 2, 3, 4, 5 स्लो मोशन में मैं करूँगा। मैंने पंच किया, आर्म बिल्कुल मेरा स्ट्रेट है। क्या करते हैं, मैंने देखा है जिम में पंचिंग का बहुत शौक है लेकिन पता नहीं, यूँ पंच किया। अब मैं पंच में कर रहा हूँ तो मेरे एल्बो पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि दर्दें फिर निकलती हैं, फिर उसके बाद कहते हैं पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज मैंने ऐसी कर ली कि दर्दें निकल आई। तो ये है कि इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, आपने पंच करना है ये और ये एल्बो बेंड है। अब मैं पंच करूँगा स्लो मोशन में, 1 स्ट्रेट, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं आर्म स्ट्रेट करता हूँ तो कोर एरिया मेरा रिदम में आ जाता है, मींस कि जब मैं ये एक्सरसाइज करूँगा मेरी अपर बॉडी सारी टोन अप होगी। अब इसको स्पीड में मैं डेमो देता हूँ, 1, 2, 3 एक और मिस्टेक, पंच करते हुए यूं टेढ़ा करके हाथ पंच करेंगे, जबकि इसका प्रॉपर एक टेक्निक है, आपने पंच करना है, फिंगर पोजीशन यूं आपकी स्ट्रेट हो हमेशा। जब आपने पंच करना है एक रिदम, 1, 2, 3, 4, अब इसको स्पीड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यस रिदम, 9, 10
ये बेसिक टेक्निक है जिसको आपने करना है। गलत नहीं करना, क्योंकि आपके एल्बो पे शोल्डर पे प्रेशर रहेगा और ये गलत है। जब आप ये बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि मुझ में मसल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर इंक्रीज हो रही है। स्टॉप वॉच अपने पास रखें, देन पंच। इसी में एंड नहीं हुआ, अभी तो स्पीड भी बढ़ानी है, स्टेमिना भी बढ़ाना है। चलें बैटर रोप। जिम्स में बहुत जगह आपने देखा होगा बैटर रोप मिलती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसको लगाते हुए कुछ ना पूछे क्या क्या गलती करते हैं। आपके बैक पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और जब बैक पे प्रेशर आता है फिर उसके बाद कहते हैं पता नहीं ये गलत लगा रहे हैं हम, इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये वो एक्सरसाइज है जिससे आपका फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज होगी। ग्लव्स हमने उतार दिए, बॉक्सिंग का मैंने आपको बता दिया, अब बैटर रोप। ये थोड़ी वेट में होती है और ये वो वाहिद एक्सरसाइज है जिसको करने से कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, लेकिन इसको आपने ट्वाइस अ वीक आपने करना। इसके कौन कौन से एंगल हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और पोस्चर पोजिशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट रॉन्ग बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, पता तो है कि बैटर रोप है, इसको लगाना कैसे, अब गलत बताने लगा। बैक पोस्चर को फुली डाउन करके यूं गलत लगा रहे हैं, बस दे रहे हैं झटके, बहुत पता है नहीं। इसका जो एक्चुअल करेक्ट पोस्चर पोजीशन है वो आपने चेयर पोजीशन में थाइस बैंड जैसे आप स्क्वाट्स लगाते हैं, फ्रंट पोस्चर आपका स्ट्रेट हो, देन इसको आपने वेव रिदम में बनाना है, आपकी वेव एक रिदम में बने। चले स्टार्ट करते हैं, देखें आज कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं। 1, 2, टाइम नोट करना है, 3, 4, पोस्चर पोजीशन आपकी वो ही रहेगी, 4, देखा पोस्चर स्ट्रेट होने से आपके जो है लेग पोस्चर, क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, अपर बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो है ना आपका कार्डियो वर्कआउट हो गया, और मसल टोनअप होने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको टाइम आपने देना है 20 सेकेंड टू 1 मिनट। नेक्स्ट इसका जो एंगल है मैंने पहले 1x1 किया, अब बोथ आपने बैटर रोप को अप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 20 सेकेंड के लिए वो स्पीड, यस कैलोरीज बर्निंग। अगर ये दोनों वर्कआउट आप करते हैं 400 to 500 कैलोरीज आपकी बर्न है। ट्वाइस अ वीक आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मसल को भी हमने रिपीट करना है। इसके बाद माय फेवरेट इसका जो एंगल है वो है वेव, वो हमने करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको बताते बताते 300 to 400 कैलोरीज तो मैंने बर्न कर दी। इस वर्कआउट को आपने करना है और मुझे बताना है, फैट को काउंट करना है, फैट आपकी कम होती जाएगी, और इसका इतना रिजल्ट है कि शायद आप इतनी ढेर सारी एक्सरसाइज करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सरसाइज से आप जल्दी टोनअप होंगे। इस एक्सरसाइज को करें, मुझे फीडबैक दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ साथ हमें फीडबैक दे दें। तब तक के लिए नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट रहमान अब्बास, अल्लाह हाफ़िज़।